हेलो हेलो हेलो। तो आप सबने एक चीज देखी ली होगी कि अब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है पीआईबी द्वारा, और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में आया कौन है क्वेश्चन पूछने, क्वेश्चन पूछने आया कौन है, उसके बारे में आप जानकारी लीजिए। क्वेश्चन पूछने आ रहे हैं न्यूज रिपोर्टर्स। अब आप बताइए, क्या न्यूज रिपोर्टर्स को नीट के एग्जामिनेशन के बारे में उतना पता होगा जितना किसी और, मतलब जो स्टूडेंट है? आप स्टूडेंट्स को बुला लेते इस कॉन्फ्रेंस में, स्टूडेंट्स को आप लिमिटेड स्टूडेंट्स को बुला लेते, कोई 10 स्टूडेंट्स आएंगे, कोई 5 स्टूडेंट्स आएंगे, आप अपनी मर्जी से कर देते, कोई भी इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स भेज देता। या आप इतना भी कर सकते थे कि किसी टीचर को बुला लीजिए। ये मैं बता दूं जो सोच रहे हैं कि किस चीज के बारे में थी। ऑफकोर्स ये जो पीआईबी ने कॉन्फ्रेंस की थी, नीट 2024 के मामले में ही थी, और इनका कहना तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत है भाई, हमें हमारा जो काम है वो हमने बिल्कुल आपको बता के किया है। जबकि आपने कभी भी अगर ये चीज नोटिस की होगी, जब भी किसी क्वेश्चन किसी मतलब पेपर में कोई चीज दी जाती है, किसी मार्क्स दिए जाते हैं, है ना, या कोई चेकिंग थोड़ी लीनियंट की जाती है, जैसे आपने सीबीएसई में भी देखा होगा कभी ना कभी, अगर सीबीएसई में चेकिंग लीनियंट हो तो अगले दिन रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती है ना, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ गई कि यार सीबीएसई में इस बार चेकिंग धीमी करने का या चेकिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट ना करने का फैसला लिया गया है, ये आ जाता है ना न्यूज में। अरे आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए, किसी न्यूज में नहीं आया, और अचानक से रिजल्ट के दिन हमें पता चल रहा है कि आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और वो भी आप इतने चुपके से दे रहे हैं, चुपचाप। हाँ, हमने तो बस रिजल्ट पब्लिक कर दिया। फिर रिजल्ट से एक दिन, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन इतना हंगामा हुआ, यूट्यूब पे इतना हंगामा हुआ, है ना, सब इतना हुआ, हर बंदा वीडियो बना रहा, हर क्रिएटर वीडियो, मैंने तो इतनी खैर बनाई भी नहीं, हर क्रिएटर वीडियोज बना रहा है, हर एक बंदा आके, हाँ यार हमारे रिजल्ट में पहले ऐसा था, ओएमआर में ऐसा है, यहाँ पे नंबर ऐसे दिए, वो तो हर साल ही होता है, हर साल किसी ना किसी के साथ ये दिक्कत होती है, एंड इट इज नॉट रिजॉल्व्ड। बट इस साल यही दिक्कत मास लेवल पे है, हमारे ओएमआर पे इतने मार्क्स बन रहे हैं, हमारे दिए इतने गए हैं, मतलब थोड़ा पता नहीं क्या ही करके ये रिजल्ट पब्लिश किया इन्होंने, एनटीए वालों ने। और पीआईबी का कहना है एनटीए इज वेरी वेरी गुड, और एनटीए ने अपना काम पूरी एफिशिएंसी के साथ किया है, एनटीए ने अपना काम पूरी एफिशिएंसी के साथ। अरे कुछ भी रिपोर्टर पूछ रहे थे कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में आपके जो भी है उसमें तो दिखाई लिखाई नहीं है ग्रेस मार्क्स के बारे में, नहीं वो हमने कमेटी बनाई हुई है, आप हमारी कमेटी से बात कर लेना, कमेटी जो है वो अभी एक हफ्ता लगेगी, एक हफ्ता उसको लगेगा सारा कुछ रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रही है, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि कमेटी ने क्या डिसाइड किया है। क्या उन बच्चों का, क्या उन 1563 को, 1600 बच्चे बता रहे हैं यार, इनको अपना ये डाटा ही नहीं पता कि 1563 बच्चों को दिया, और ये उसको नॉर्मलाइज करके अबाउट लेके रेशो लेके, रेशो मतलब जैसे बोलते हैं ना हम राउंड ऑफ करके बोल रहे हैं, लगभग 1600 बच्चे हैं जिनको हमने दिए, केवल 1600, लगभग भी नहीं, केवल 1600 बच्चे हैं जिनको हमने ऐसा किया, तो उससे सबका रिजल्ट तो अफेक्ट नहीं होगा, क्या आप ये सोच रहे हैं? और जिन इनसे कुछ किसी ने पूछा, आप हमें ये बताइए, उसी आपने देखा होगा वो प्रेस रिलीज जो भी, व्हाटएवर प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी रिपोर्टर ने पूछा आप हमें ये बता दीजिए कि आपने कितने मार्क्स दिए हैं ग्रेस मार्क्स में। देखिए वो हम मैं आपको बताता हूँ, मैं इनका जवाब देखना यही था, मैं आपको बताता हूँ, हमने जो है ग्रेस मार्क्स देने के बाद, उसने क्या पूछा यार कितने मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स देने के बाद कितने किए हैं, यार क्वेश्चन तो समझ लीजिए, अंत में अंत में हंसी आ रही है यार, एंड हो गया तो वो मैडम, ओके सो नाउ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, नाउ लेट्स मीट आपका फोर्थ फोर्थ फ्लोर पर, हम वेट करेंगे वहां पे आपके लिए चाय का इंतजाम है, वो चाय पीने आए क्वेश्चन पूछने आए हैं, और आप मतलब क्या क्या था ये है, आप सब कुछ हो गया, क्वेश्चंस आपने हमने जितने जवाब देने थे दे दिए, अब आप फोर्थ फ्लोर पे आ जाइएगा, आपके लिए चाय का प्रबंध है, चाय का प्रबंध है, ये उनका जवाब था। और भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे जो है जेन्युइन क्वेश्चंस थे कि आप वो फॉर्मूला बता दीजिए, देखिए फॉर्मूला अभी हम सोच रहे हैं, हमने कमेटी निर्धारित की है, वो आपको देखेंगे, है ना, हर चीज का जवाब कमेटी देखेगी, कमेटी बताएगी, कमेटी फॉर्म की है, कमेटी बताएगी, कमेटी में कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, वो तो चलो बता दिया। हाँ अभी इसका रीनेट होगा कि क्या इनका रीपब्लिश होगा, रिजल्ट क्या होगा, बाकी बच्चों के साथ क्या, नहीं बाकी बच्चों का कुछ नहीं है, बाकी बच्चों का जो है वही है, और इन 1600 इन 1563 बच्चों का हम देखेंगे, वो कमेटी दिखाएगी हमें कि हमें रीनेट करना है इनका, कि क्या करना है, मतलब तुम किस लिए बैठे हो इतनी हाई तुम पोजिशन पे, चलो मान लिया कमेटी बना रहे हो, बट आपको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने मार्क्स कितने दिए हैं, ग्रेस मार्क्स कितने दिए हैं, आपको यही नहीं पता है, तो आप क्यों बैठे हो वहां पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आप आए हो, आपको यही नहीं पता कि आपके पोर्टफोलियो में क्या है, नहीं वो हम चेक करेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में है कि नहीं है ग्रेस मार्क्स के बारे, बट यार नेक्स्ट ईयर से हम देखेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, वो हमारी कमेटी बताएगी हमें। उनसे पूछा गया कि यार चलिए जिन्होंने हाई कोर्ट में डाला तो ठीक है, अब कोई अगर मान लो अब देख रहा है कि यार हाई कोर्ट में डालने से ही सुनवाई हो रही है, अब अगर वो डालेंगे तो आप करेंगे कुछ नहीं, अब क्यों डालेंगे, जिन्होंने डालना था वो तो डाल चुके, इनका रिप्लाई था ये इंग्लिश में बोला था उन्होंने, हाँ बट मैं आपको वही ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहा हूँ, अब क्यों डालेंगे, अब तो जिन्होंने डालना था वो डाल दिया, मतलब आप कह रहे हो कि कम्युनिकेशन का आपके पास एक ही तरीका है हाई कोर्ट,
इतने बच्चे आपके एनटीए के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि यार हमारे यहाँ पे सेंटर में ये हुआ, वो आप जाने, वो हमें नहीं पता। इनका ये रिप्लाई है। आप YouTube पे जाके देखना कितने सारे यूट्यूबर्स इस सपोर्ट में आ रहे हैं। अब तो अपोजिशन भी थोड़ा थोड़ा, मतलब अपोजिशन को तो चलो क्या ही कहें, अपोजिशन के बारे में छोड़ दो, वो तो पॉलिटिक्स वगैरह आ गया, उसको छोड़ दो, ठीक है, उनका तो चलो फायदा ही देखना, उन्होंने तो अपना, उसको छोड़िए। कई सारे यूट्यूबर्स इस बारे में भी आ रहे हैं, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं मैं, बट स्टिल अभी भी ये केस रिजॉल्व नहीं हो रहा है, स्टिल इट इज नॉट रिजॉल्व। इतने बच्चे है ना, इतने बच्चे रस्सियां लेके, अब मैं बोलूंगा नहीं बिकॉज इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड, राइट, कोई कूद रहा है कहीं से, कोई कुछ कर रहा है। आप पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अभी मैंने इंडिया टीवी का या कोई भी इंटरव्यू देखा, पेरेंट्स बेचारे रोने की हालत में है, और उनका भी यही सवाल, बेचारा एक पेरेंट तो ऐसा रोते रोते नहीं होता, ऑफकोर्स आवाज में उनका पता चल रहा है दुख, अरे इन्होंने बताया नहीं पोर्टफोलियो में, तो कैसे ये नंबर दे सकते हैं, उनका ऐसा कहना बिल्कुल बिल्कुल जायज है। और वो इतनी सारी मिस्टेक्स हैं इस रिजल्ट में, इतनी सारी धांधलियां हैं, तो क्यों रीनीट नहीं करवा सकते आप? और अगर रीनीट की बात आती है तो रीनीट बड़ा डिफिकल्ट होगा, सीरियसली सेइंग दैट विल बी अ डिफिकल्ट पेपर। तो आप भी ये हैशटैग यूज करिएगा, #रीनीट2024, और साथ ही में आप थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी चाहेंगे, ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए है, और उसके लिए पहले तो आप एक और चीज यूज करिएगा, जस्टिस फॉर नीट 2024। ये दो हैशटैग्स हैं जो आपको चलाने हैं। अब यही नहीं समझ आ रहा यार कि बच्चा क्या करे। अब अगर एक जगह भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मान लीजिए अभी काउंसलिंग पे अभी तो मतलब कलकत्ता ने बोला, जो वो भी अभी कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं, सीन चल रहा है, बट अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, इन्होंने तो अभी इस PIB में अभी भी ये नहीं कहा कि काउंसलिंग रोक देंगे, अगले साल से क्या करेंगे, कुछ नहीं बताया गया। हर क्वेश्चन का इनके पास एक ही जवाब है, हमारी जो काउंसलिंग की, काउंसलिंग नहीं, हमारे जो हमने एक टीम बनाई है, हमने एक वो बनाई है, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको, थोड़ा 4 मेंबर हैं उस कमेटी में, वो कमेटी वाले डिसाइड करेंगे। उनसे पूछा गया कि वो तो क्लैट के लिए था, वो क्लैट के लिए था, जो जिस बेसिस पे इन्होंने वो दिया, नहीं क्लैट के लिए तो था, क्लैट मान लिया ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, बट वो ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में नहीं है। इनका कहना है कि वो टाइम लॉस, दैट वॉज जस्ट अबाउट द टाइम लॉस, और टाइम लॉस यहाँ पे भी हुआ है, इनका ये कहना है। शाबाश, टाइम लॉस हर सेंटर पे, नियरली हर सेंटर पे हुआ है। इनका खुद का कहना है कि अगर टाइम लॉस होता है तो हम ये मानते हैं, इन्होंने डायरेक्ट यही चीज कही है कि अगर पेपर 2:30 बजे स्टार्ट हो रहा है तो उससे पेपर लिया जाए 5:50 पे, बट ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, बहुत कम जगह, बहुत रेयर चांस है, इतना टाइम आधा घंटा तो कोई भी नहीं देगा, अगर आधा घंटा लेट मिला होगा तो भी नहीं देगा। आपके टीचर्स, आपके इन्विजिलेटर्स, किसी को आपने तैयार नहीं किया, किसी को ऐसे ही आपने बोल दिया हाँ इस स्कूल को दे दीजिए, इस स्कूल में पेपर करवा दीजिए, उनके इन्विजिलेटर्स तैयार नहीं है पेपर के लिए, उनके इन्विजिलेटर को पता ही नहीं है कहाँ से पेपर कैसे लेके आना है, कहाँ देना है, कैसे करना है, और आप ऐसे सिस्टम चला रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं नहीं भाई NTA तो बहुत शुद्ध है। उनसे पूछा गया कि यार आप बताइए कि अब जर्नलिस्ट को कितना ही पता होगा नीट के बारे में, बताओ। उनसे पूछा गया कि यार नीट का रिजल्ट आपने 4 जून को ही क्यों निकलवा दिया इतनी जल्दी? नहीं, हमारा रिजल्ट जैसे ही प्रिपेयर होता है हम वैसे ही कर देते हैं पब्लिश, ठीक है, एक मिनट वेट करना, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। सॉरी, एक्चुअली आई वाज सर्चिंग फॉर नीट 2023 का पोर्टफोलियो देख रहा था मैं, तो मुझे मिला नहीं ऑनलाइन, बट इनका कहना है कि आपने पोर्टफोलियो में तो बताया नहीं कि रिजल्ट, आपने पोर्टफोलियो में लिखा है कि 14 जून का रिजल्ट आएगा, आपने 10 दिन पहले क्यों निकाल दिया? नहीं, वो पोर्टफोलियो वाली तो हमारी टेंटेटिव डेट होती है, वो हमने अपने लिए बनाई है कि हम अपने मन में तैयार कर सकें कि इस डेट से पहले पहले हमें रिजल्ट देना है। अपने लिए बनाई थी तो अपने ऑफिस में रखते ना, पोर्टफोलियो में लिखने की क्या आवश्यकता थी? चलो लिखा तो लिखा, आपने 4 जून को इलेक्शन के आड़ में रिजल्ट निकाल दिया, चलो कोई नहीं, उसके ऊपर न्यूज रिपोर्टर ने पूछा तो कहते हैं नहीं हमारा रिजल्ट तो प्रिपेयर हो चुका था और हमने जैसे रिजल्ट प्रिपेयर हुआ वैसे हमने पब्लिश कर दिया। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, उसी दिन आपके पास OMR आ रही है बच्चों की, उसी दिन आप बच्चों को OMR सेंड कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, और उसी दिन आपका रिजल्ट भी आ रहा है थोड़ी देर बाद कह लीजिए, किसी को पहले भी चली होगी OMR, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि हमारा तो रिजल्ट प्रिपेयर हो गया, आपने देखा होगा JEE का रिजल्ट हम 15 दिन में निकाल देते, 11 दिन में निकाल देते, अब बेचारा वो क्या जाने न्यूज रिपोर्टर कि JEE ऑनलाइन बेस्ड है तो उसका तो 15 दिन का, उसका तो 5-6 दिन में निकल जाए रिजल्ट, मतलब मान ली कंपाइल करने में टाइम लगता है, ठीक है, बट स्टिल जल्दी से जल्दी कोई 3-4 दिन में उसका रिजल्ट निकाल दे, ऑनलाइन है ना पेपर। फिर उनसे पूछा गया कि हाँ, एक प्रश्न उनसे ये भी आया है उनको कि जो वहाँ पे ऑर्डर था
वो सुप्रीम कोर्ट वाला जिसके बेसिस पे आपने ग्रेस दी, उधर तो साफ साफ लिखा है कि वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए लागू नहीं, वो हमारी कमेटी देखेगी, वो हमारी कमेटी देखेगी, हर चीज का आपकी कमेटी देख रही है। तो आप पेपर क्यों करवा रहे हैं, है पेपर क्यों करवा रहे हो, पेपर भी कमेटी को देखने दो, पेपर भी कमेटी ही दे देगी आपका। अब अगले साल से देखना, मतलब एक क्या है ये, अगले साल से बच्चे ही बड़े कम हो जाएंगे नीट देने वाले। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं ये, व्हाट इज दिस। अब चलिए आप देखना, हम तो यही चाहेंगे कि रीनीट 2024 हो, क्योंकि अगर रीपब्लिश भी हो रहा है रिजल्ट, तो उन 1536 बच्चों, सॉरी 1563 बच्चों का अगर रीपब्लिश भी होगा, उससे भी बाकी बच्चों में कोई सुधार नहीं करेंगे ये। इनका मामना, इनका मानना अभी भी यही है कि पटना में पेपर कोई लीक नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इनसे किसी ने भी पूछा कि आप बताइए पेपर लीक हुआ है या यहाँ पे इतनी खबरें आ रही हैं, और कहते हैं सवाई माधोपुर में ये हुआ था, वहां पे किसी को हिंदी दे दिया गया, किसी को इंग्लिश दे दिया गया, तो वो हमने बारह दोबारा कंडक्ट करवा लिया था, उसी दिन कंडक्ट हो गया था, शाम की शिफ्ट में हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कुछ नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अरे भाई कोई पेपर लीक नहीं, क्या बात करते हो यार, थोड़ी सेंस नहीं है इनमें, है ना। मतलब कहते हमारे पास 17 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस साल 720 में से 720 लेके आए थे, बट हमने जो 4 नंबर या 5 नंबर का जो क्वेश्चन था फिजिक्स वाला, उसको हमने जब सही मान लिया, ग्रेस दे दी, तो मतलब वो तो सबको ही मिली होगी ना, अगर जिसने दो ऑप्शन टिक किए हैं। तो उसके बाद ये टॉपर्स का नंबर बढ़ गया 44, उसके बाद ये टॉपर्स का नंबर हो गया 44, और आफ्टर दैट नहीं 44, अच्छा इसमें 44 ऐड हो गए थे, सॉरी 17 में 44 ऐड हो गए थे, तो उससे जो है टोटल कितने हो गए, 63, कितना, तो 7 4 11 ना, 61, 61 हो गए। और 6 बच्चे ऐसे थे जिनको हमने ग्रेस दी थी, जिनको हमने ज्यादा ग्रेस दी थी टाइम लॉस के कारण, शाबाश। और उनको ग्रेस देने के बाद आपने टोटल टॉपर्स निकाल दी 67, जो कि 720 में से 720 वाले हैं। और इन्हीं में उन्होंने बताया कि जो है ग्रेस देने के बाद हमने 718 और 719 अंक भी दिए हैं। कैसे दिए वो अभी तक इन्होंने बताया। एनटीए इज वेरी ट्रांसपेरेंट, इन्होंने अभी तक वो फॉर्मूला नहीं बताया है जिससे इन्होंने ग्रेस दी। एनटीए इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, इन्होंने अभी तक हमें यही नहीं बताया कि कितनी ग्रेस दी, इतनी वो तो इन्होंने रेंज बता दी ना कि हमारे -20 ग्रेस देने के बाद बच्चे के -20 से 720 के बीच में नंबर बन रहे हैं, कितनी ग्रेस दी हमें अब तक वो नहीं पता। एनटीए इतनी ट्रांसपेरेंट है कि उसने कभी इस बारे में रिसर्च ही नहीं की कि कहाँ कहाँ पे पेपर लीक हुआ। एनटीए इतने ट्रांसपेरेंट है, उन्होंने टेलीग्राम पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं, कुछ सोचा ही नहीं, जबकि 4 मई से ही शुरू हो गया था वो, 5 मई को पेपर था, 4 मई से शुरू हो गया, कितना पेपर, ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ। तो आप सब क्या करें बताइए, अब बच्चे क्या करेंगे जो पेपर दे रहे हैं, चाहे वो पेपर देना छोड़ दे, अगले साल से कोई आपका पेपर ना दे, आप ये चाहते हैं। आपको तो आप माइंडसेट चेक करिए, इतना कुछ होने के बाद वो कह रहे हैं कि नाउ व्हाट्स द फन टू गो टू हाई कोर्ट। अब बाकी बच्चे क्यों जाएं हाई कोर्ट, जिन्होंने कर दिया ठीक है, इनका कहने का मतलब तो यही निकला था जब उन्होंने कहा कि यार अब जो इनको नहीं पता था कि हाई कोर्ट में जाएंगे तो ही सुनवाई होगी, तो अब क्या वो हाई कोर्ट जाए, नहीं, जिनका होना था वो हो गया, इनका कहने का मतलब ये है। तो आप हमें बताइए कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अगर हम इन 6 बच्चों को हटा भी दें, 61 बच्चे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है नीट की हिस्ट्री में, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप क्यों नहीं ऐसा करते, इन 67 बच्चों की पर्सनल डिटेल्स, इनकी फोटो वगैरह छोड़ के बाकी सब आप पब्लिक कर दें, बाकी सब आप पब्लिक कर दें, इनकी ओएमआर दिखाएं, इनके हमें आंसर शीट और इनका जो मार्कशीट बनी है वो दिखाएं, हम खुद मैच कर लेंगे ना कितने बच्चों की आपने ग्रेस दी है, कितने बच्चों को आपने क्या किया है, थोड़ी शर्म लिहाज है ही नहीं आप में जरा भी। तो बस यही हम चाहते हैं, जस्टिस हो नीट 2024 वालों के लिए, और री नीट अगर हुआ तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और आपको मतलब 4 5 हफ्ते मिलेंगे उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, कई सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं जो हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ ऑफकोर्स मेरे वीडियो बनाने से थोड़ी आए होंगे, है ना, इतने सारे क्रिएटर्स वीडियो बना रहे हैं उनके साथ। अब वो मैं बता दूँ, जैसे रजत पवार थे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर, उनके बारे में, रजत दलाल नहीं, रजत पवार, रजत दलाल तो अलग ही चल रहा है, रजत पवार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने वीडियो बनाई प्रोफेसर ऑफ हाउ, प्रोफेसर ऑफ हाउ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज उनकी होती है, हाई क्वालिटी वीडियोज, एनिमेटेड वीडियोज, बहुत अच्छी, इन्होंने भी हमारे नीट के रिलेटेड वीडियोज बनाई है, तो इनका भी काफी काफी धन्यवाद। आपने देखा होगा गौरव ठाकुर, गौरव ठाकुर गेट जो भी है, गेट सेट फ्लाई, सॉरी सॉरी गेट सेट फ्लाई साइंस वालों ने, उन्होंने भी हमारे लिए इतनी वीडियोज जो है, एक वीडियो तो बनाई है, ठीक है, नितेश राजपूत ने जी जिन्हें भी वीडियो बना दी है, बट वो बात अलग है कि उन्होंने सेकंड चैनल पर बनाई है। ध्रुव राठी ने भी वीडियो बनाई है, वो बात अलग है, उन्होंने सेकंड चैनल पर बनाई है, और भी कई सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अब इस बारे में वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दी हैं। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, और अब एनटी से यही रिक्वेस्ट है कि यार कुछ तो करिए इस मामले में, ऐसे चुप्पी कब तक साथ के बैठेंगे, कब तक आप यही कहेंगे हमें कुछ नहीं पता, तुम्हें सब कुछ पता है।
अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा ही जाएगा, पीडब्ल्यू ने भी पिटीशन फाइल कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पहले उन्होंने वही जो है केस की मतलब जो भी पिटीशन की कॉपी जो है वो एनटी को मेल की थी, एनटी तो क्या ही कर रहा है, देख तो रहा ही नहीं कुछ भी, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ऐसे ही। और एनवी सरना भी बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट तो वो तो करेंगे ही ना, कौन वाली बात है यार, राइट, टीचर्स का ही तो योगदान है इन सब में, इन सब में मतलब नॉट इन धांधली में बट आपको डॉक्टर्स बनाने में सब चीज़ में, तो उनका भी यार पूरा सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, बस यही आशा है कि या तो रीनीट हो या तो री रिजल्ट हो, और रिजल्ट जब दोबारा आए फिर भी ये जो 67 बच्चे हैं इनकी ओएमआर आपके सामने आनी चाहिए, इनकी आपके पास सच्चाई सामने आनी चाहिए कि इनके असल में क्या ओएमआर पे भी 720 में से 720 बन रहे हैं या नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।